नमस्कार, प्रणाम, सलाम। दो उदयमान चेहरा जो कि आज के सामने अभी दिखाई पड़ रहे हैं, ये दो उदयमान समाजसेवी, एक का नाम है रजनीकांत सिंह और दूसरे का नाम है राहुल मिश्रा। आज चर्चा करेंगे पंचायती स्तर पे विकास को लेकर के। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे रजनीकांत सिंह। नमस्कार मित्रों, हम ग्राम कल्याण समिति के अध्यक्ष होने के नाते आज हमारे पंचायत में जो विकट समस्या है उस समस्या पे चर्चा करेंगे। हमारे पंचायत में जो विकट समस्या है अभी ODF को लेकर के है। तमाम जो मुख्य मार्गे हैं, मुख्य मार्गों पर जो आइएगा आप, तो आप खुद अपना नज़ारा देख लीजिएगा कि क्या स्थिति है। तो मैं मुखिया महोदया से ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम वो गांव को ODF कराएं, पूरे पंचायत को ODF कराएं। अगर पूरे पंचायत को ODF नहीं करा सकती हैं तो सामुदायिक शौचालय बनवा दीजिए। आप उसमें भी विफल हैं, साढ़े चार साल बीत गए, आप न पूरे पंचायत को ODF करा पाए। दूसरा चीज है, तरह तरह की नालियों की समस्या है। आज बरसात के दिनों में नालियाँ टूटी हुई है, रोडों पर पानी बिखर जाता है, तो जो नालियों का मरम्मत कार्य है उसको भी आप करवाइए, उस पर भी आप विफल हैं। तीसरा चीज है कि हमारे पंचायत में कहीं सामुदायिक भवन भी नहीं है। सामुदायिक भवन के चलते बहुत सारी परेशानियां होती हैं, आप उस पर भी ध्यान दीजिए। आप अगल बगल अपने आस पड़ोस जितनी पंचायतें हैं आप उसमें झांक लीजिए, उनके अपेक्षा हमारे पंचायत का बहुत स्तर नीचे है। तब इन सब बातों पे ध्यान दीजिए। दूसरा चीज है कि राशन, बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जिनको अभी राशन नहीं मिल रहा है, राशन कार्ड नहीं बना है। आप मुंह देखौल बात मत कीजिए, मुंह देखौल का मत कीजिए। आप जो हकदार हैं उस चीज का, उस हक को उनको मिलना चाहिए। अगर आप 15 दिनों के अंदर अगर ये सारा व्यवस्था आप नहीं करते हैं तो हम आंदोलन भी करेंगे, और आंदोलन हमारे युवा हमारे साथ हैं। और युवाओं को मैं संदेश देना चाहता हूं कि अब युवाओं को जगना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। और आप हैं राहुल मिश्रा, जो अपनी बात को रखेंगे। नमस्ते, मैं राहुल कुमार मिश्रा अपने बात को आपके सामने रखूंगा। उसके पहले मैं अपना एक परिचय दे देता हूं। मैं ग्राम कल्याण समिति का संयोजक रह चुका हूं, मैं अभी फिलहाल हूं। तो सबसे पहले ग्राम कल्याण समिति अपने समिति को संगठित करने वाले स्तरों पर काम शुरू करने जा रही है। ग्राम कल्याण समिति 2017 से ही एक्टिव है, 2017 से ही काम कर रही है, लेकिन अभी से फिर दोबारा ग्राम कल्याण समिति गांव के समस्याओं, पंचायत के समस्याओं पर भी अपना जो फर्ज है वो निभाएगी, अपना कार्य करेगी। मैं पंचायत के युवाओं को कुछ संदेश देना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि आज के जो युवा हैं वो यह नहीं समझ पा रहे हैं कि सोशल मीडिया का उपयोग कैसे करना है। बहुत सारे युवा समझते हैं सोशल मीडिया का उपयोग कैसे करना है, लेकिन कुछ युवा जो है अपने लाइन से, अपने मार्ग से थोड़ा हट गए हैं। उनको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज पर्सनालिटी, पर्सनालिटी क्या है। बहुत लोगों को नहीं पता चलता है कि पर्सनालिटी का हिंदी शब्द क्या है। पर्सनालिटी का हिंदी शब्द जो है वो व्यक्तित्व है। अगर युवा अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पा रहा है तो बहुत आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। युवाओं को अपने व्यक्तित्व का विकास करना होगा। व्यक्तित्व जो चीज है, व्यक्तित्व
अपने शरीर को फैशन रूपी मोह से जकड़ लेना व्यक्तित्व नहीं है। अगर व्यक्तित्व आपको सीखना है तो विवेकानंद जी से सीखिए, दयानंद सरस्वती जी से सीखिए, जो हमारे महापुरुष रह चुके हैं उनसे हमें व्यक्तित्व सीखना पड़ेगा। अगर हम व्यक्तित्व का विकास नहीं करेंगे तो हमारा समाज का विकास नहीं हो पाएगा, हमारा गांव का विकास नहीं हो पाएगा, हमारा पंचायत का विकास नहीं हो पाएगा। अगर हमारे समाज का, गांव का, पंचायत का विकास नहीं हो पाएगा तो हम सब युवा मिलकर अपने देश का, अपने राज्य का विकास कभी भी नहीं कर सकते, कभी भी एक अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते। युवाओं को ये संदेश था मेरा। उसके बाद पंचायत स्तरीय मुद्दा पर ग्राम कल्याण समिति, माननीय मुखिया महोदया से यह हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती है, हम हाथ जोड़ के ये निवेदन करते हैं मुखिया महोदया से कि कृपया गांव की जो समस्याएं हैं उन पर जरूर ध्यान दिया जाए। ग्राम कल्याण समिति आपको एक मांग पत्र देगी, उस पर आप चर्चा कीजिएगा, उस काम को करवाइए आप। तो पंचायत में बहुत सारी समस्या है, सामुदायिक शौचालय का मांग मैं उठाता हूँ और गांव में युवाओं के लिए फील्ड का भी मांग मैं उठाता हूँ ग्राम कल्याण समिति के तहत। बाकी आने वाले चुनावों में अपने विवेक का उपयोग कीजिए और कौन सा पार्टी ठीक है कौन खराब है, इसलिए कि हम राजनीतिक स्तर से हटकर अपना समिति चला रहे हैं, हम किसी राजनीतिक, किसी धार्मिक स्तर के नहीं हैं, हम किसी जाति स्तर के नहीं हैं। ग्राम कल्याण समिति के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम अपने पंचायत को, अपने समाज को सुधारने के लिए एक छोटा सा कदम उठा रहे हैं। आइए हम चलते हैं, हम लोग चलते हैं एक कदम विकास की ओर, सभी लोग मिलकर। आप लोगों से निवेदन है कि सभी लोग मिलकर पंचायत समाज के विषय में कुछ सोचें। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में और कुछ आप दोनों कहना चाहेंगे? अंत में कुछ संदेश है आपके पास जो जनता तक पहुंचाया जाए? देखिए, संदेश तो यही है कि बस हमारे पंचायत पर जो भी प्रतिनिधि हैं वो ध्यान दें, हमारे पंचायत स्वर्ग ऐसे ही बन जाएगा। अगर प्रतिनिधि ध्यान नहीं देंगे तो फिर अगला बार जनता ध्यान दे देगी। तो जनता जनता तो अभी भी बोल रही है कि एक तो धृतराष्ट्र अंधे थे ही, दूसरे गंधारी भी आई तो उन्होंने भी आँख पे पट्टी बांध ली, तो इस हस्तिनापुर का क्या हो सकता है? एक समस्या उभर कर ये सामने आ रही है जो कि विधानसभा से है, उस पे मैं आप लोगों से राय जानना चाहूँगा कि हमारा मुद्दा इस बार रहेगा विधानसभा चुनाव में कि जी जो भी राजनीतिक पार्टी आपके दरवाजे पर अगर वोट मांगने आए, जो भी विधायक दल के नेता, तो उससे आप एक सवाल करें कि आप अगर जीत दर्ज करते हैं तो कितनी कंपनियां हमारे क्षेत्र में लाते हैं ताकि हमारे लोगों को बाहर ना जाना पड़े। क्या ये गलत है या सही है? देखिए, आपने बिल्कुल सही आवाज़ उठाया है। हम लोगों ने दो चार दिन पहले ही ये मुद्दा उठाया था कि हमारे बीच जो भी प्रतिनिधि वोट मांगने आ रहे हैं, हम लोग किसी दल के सपोर्टर नहीं हैं, हम लोग केवल विकास के सपोर्टर हैं। अगर हमारे जिले में जो भी प्रतिनिधि जो हैं, जो विधायक दल के नेता हैं, जो अपने क्षेत्र में 5 कंपनियां बैठाएंगे, हम उन्हें ही अपना मत देंगे, ये हमारी मांग है। और आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, हम उसका समर्थन भी करते हैं। ग्राम कल्याण समिति ने, आप अभी क्वेश्चन उठा रहे हैं, लेकिन ग्राम कल्याण समिति के द्वारा भी एक बार चर्चा हुआ था इस क्वेश्चन पे। बहुत ही अच्छा आपका सवाल है, इससे अच्छा कुछ सवाल नहीं है। इसलिए कि यह जो महामारी है, इस महामारी ने दिखा दिया कि बिहार में कितना बेरोजगारी है, और सभी जितने भी कारण हैं, लड़ाई झगड़ा हर एक चीज, तो मैं बता देना चाहता हूं कि ये सब एक चीज है जिससे के वजह से ठीक हो सकता है, वो चीज है अगर हमारे यहाँ रोजगार मिल जाए तो सारी समस्याओं का निदान है। एक ही ब्रह्मास्त्र है, अगर वो ब्रह्मास्त्र चल गया तो
तो समाज बदल सकता है, राज्य बदल सकता है बिहार, नहीं तो ऐसे भूखे लाचार ही रह जाएंगे हम। आपकी बात को हम मांग बना के उठाएंगे, ये ग्राम कल्याण समिति का वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद गांव जवार को समय देने के लिए, आप दोनों युवाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।